हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक रोमांचक पाठ जो है पाठ 3, मेहनत का फल। तो आइए बच्चों, सबसे पहले चित्र पर आधारित गतिविधि पढ़ें। बच्चों, इन चींटियों को देखिए, कैसे वो इतनी छोटी होते हुए भी अनाज के दाने लेकर जा रही है। चींटी एक लघु प्राय प्राणी होकर भी बहुत मेहनती होती है। क्या आप किसी ऐसे महापुरुष के विषय में जानते हैं जो अपनी मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया हो? यदि हाँ, तो उसके विषय में कुछ पंक्तियां अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यदि नहीं, तो इंटरनेट की मदद लीजिए। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको किसी महापुरुष की कहानी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है। यदि नहीं, तो आप इंटरनेट से भी मदद ले सकते। तो आइए बच्चों, पाठ में प्रवेश करें। इस पाठ में एक ऐसे ही व्यक्ति का वर्णन किया गया है जिसने मेहनत करके खूब पैसा कमाया, लेकिन बाद में उसे आराम की आदत पड़ गई। तो आइए बच्चों, इसी के साथ शुरू करते हैं। एक गांव में टीका नाम का मजदूर रहता था। वह खेतों में मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करता था। एक बार अपने गांव में काम खत्म करके वह बहुत सारा धन कमाने के उद्देश्य से पास ही एक गांव में मजदूरी करने चला गया। टीका बहुत मेहनती मजदूर था। उसने उस साल जी तोड़ मेहनत की और खूब धन कमाकर वह अपने गांव लौटा। गांव में उसकी बीवी तारा अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टीका जब इतना सारा धन लेकर गांव पहुंचा तो वह फूला नहीं समा रहा था। उसने गांव जाते ही अपनी बीवी बच्चों को बहुत से कपड़े गहने दिलवाए और दूसरे ही दिन अपनी ससुराल जाने की बात करने लगा। पत्नी भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। टीका अपने ससुराल चला गया। सास ससुर के लिए वह कुछ सामान भी साथ ले गया था। ससुराल पहुंचकर टीका फूला ना समाया क्योंकि उसका स्वागत बड़े ही जोरदार ढंग से हुआ। उसके खाने पीने और आराम के लिए अच्छा प्रबंध था। पकवान खाकर टीका घोड़े बेचकर सो गया। शाम को उठा तो सास ने उसे बड़े प्रेम से नाश्ता कराया। शाम को गांव में घूमने के बाद रात का खाना खाकर टीका फिर से सो गया। बस इसी तरह दिन बीतते गए और टीका के जीवन से मेहनत का नाम ऐसे हवा हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। बस खाना और सोना ही उसके जीवन का काम बन गया। धीरे धीरे ससुराल के लोग भी उससे उकता गए। अब उसे अच्छा खाना मिलना बंद हो गया, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। उसे तो आराम करने की आदत पड़ गई थी। वह अपने घर और पत्नी बच्चों को भी भूल चुका था। एक दिन उसकी सास ने कहा कि अब तुम्हें मेरी बेटी और नातियों को एक बार देखकर आना चाहिए। सास की बात को वह हाँ हूँ करके टाल गया। एक बार गांव में लुटेरे आए। रात में सब सो रहे थे। टीका भी खर्राटे ले रहा था। तभी टीका के ससुर की नींद खुल गई। लुटेरों को देखकर वह चीखने लगा। सब लोग उठ गए। लुटेरों के सरदार ने कहा, तुम्हारे पास जो भी माल हो उसे निकालो। टीका के ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पास जो भी है वह सब हमारे ही काम आए और उसे हमारा पेट भर जाए, बस इतना ही है, उससे ज्यादा भी नहीं। टीका के ससुर को उन लुटेरों का उसूल मालूम था कि वह पूछ पूछ कर अतिरिक्त सामान या धन ले जाते हैं। जो चीज काम की नहीं उसे ले जाना उनका उसूल है। लुटेरों ने कहा, चलो फिर बताओ तुम्हारे पास कौन सी चीज काम की नहीं है, उसे ही हम ले जाते हैं। टीका के ससुर बहुत देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, ये हमारा दामाद टीका किसी काम का नहीं है। बस ये खाता और सोता है, कुछ काम नहीं करता है। अपने घर में भी इसे कुछ काम नहीं है, तो आप इसे ही ले जाओ। ससुर की बात सुनकर टीका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बात तो सच ही थी, वहां तो वह किसी काम का नहीं था। अब क्या करें, वह अलग कोठरी में जाकर हाथ जोड़कर ससुर जी से मिन्नत करने लगा। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद ससुर जी मान गए। उन्होंने लुटेरों से कहा, मैं उसूल के मुताबिक टीका तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूँ। मैं भूल गया था कि सारा दिन जब हम घर के बाहर खेतों में काम करते हैं तब यह हमारे घर की रखवाली करता है। यह तो हमारे काम का आदमी है, इसे मैं तुम्हें कैसे सौंप दूँ?
इस प्रकार टीका लुटेरों से बच गया। लेकिन अगले ही दिन उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी पत्नी और बच्चों के पास गांव जाएगा और फिर से मेहनत से काम करेगा। शब्द वाटिका, गांव, देहात, ग्राम, विलेज, मजदूर, काम करने वाला, लेबर, उद्देश्य, लक्ष्य, एम, मेहनत, परिश्रम, लेबर। विचार मंथन, परिश्रम चरित्र निर्माण की नींव है। आइए मुहावरा पढ़ें, जी तोड़ मेहनत करना, अधिक परिश्रम करना। जानते हैं एक बात पते की, कठोर परिश्रम से बड़ी मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। खोजबीन, इंटरनेट गतिविधि। बिल्मा रुडोल्फ, जो कि एक अमेरिकी लड़की थी, उसकी शारीरिक कमजोरी, यहाँ तक कि उसकी दिव्यांगता भी उसे सफल होने से नहीं रोक पाई। उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए इंटरनेट या पुस्तक की सहायता लीजिए। शब्द वाटिका, बीवी, पत्नी, वाइफ, खुश, प्रसन्न, हैप्पी, स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, जोरदार, प्रबल, तीव्र, स्ट्रॉन्ग, विगोरियस, आराम, सुस्ताना, रेस्ट, रिलैक्स, प्रबंध, व्यवस्था, अरेंजमेंट, आदत, स्वभाव, हैबिट, लुटेरे, डाकू, रॉबर, चीखना, उच्च स्वर में कहना, शाउटिंग लाउडली। मुहावरा, फूला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना, निश्चिंत होना, स्व जागरूकता। अनेक महापुरुषों ने भी कठिन परिश्रम से संबंधित बहुत सी प्रेरक बातें कही हैं। उन्हें इंटरनेट पर ढूंढिए और अपनी पुस्तक में लिखिए। मूल्य परक तथ्य, आलस्य से अधिक घातक और समीपवर्ती शत्रु कोई नहीं होता। शब्द वाटिका, उसूल, आधार, प्रिंसिपल, अतिरिक्त, अन्य, फालतू, एक्स्ट्रा, मिनते, विनती, रिक्वेस्ट, मुताबिक, अनुसार, अकॉर्डिंग टू, निश्चय, संकल्प, निर्णय, डिसीजन। मुहावरा, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, होश उड़ना। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सटीक जानकारी, साल 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था प्रभावित तो हुई, लेकिन इस दौरान कृषि के क्षेत्र में कई फायदे दिखाई दिए। वही बेहतर मानसून के कारण सरकार ने फसल वर्ष 2020-21 जून जुलाई के दौरान 30.1 करोड़ टन अनाज की पैदावार का लक्ष्य रखा। तो बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से काफी सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में एक और रोमांचक पाठ के साथ।